नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की पांचवी विधानसभा के दूसरे एक दिवसीय विशेष सत्र में 1932 के खतियान और पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण देने का विधेयक पास कराने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सियासी अखाड़े में एक कदम आगे निकल गए हैं, क्योंकि ये दोनों मुद्दे उनके पास के दो सबसे बड़े सियासी हथियार माने जा रहे थे। पिछले साल 11 नवंबर को ही सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर हेमंत सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी बन गए थे, और अब 1932 का खतियान का प्रस्ताव पास कर वो झारखंड को अपने एक मजबूत किले में बदलने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इसलिए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बीच स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण विधेयक लाने को हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव कहा जा सकता है। ये सर्वविदित है कि झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के लिए भावनाओं से जुड़ा रहा है। शायद यही वजह भी है कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी अपने घोषणा पत्र में झामुमो ने इसका वादा किया था, और आज उन्होंने साफ कर दिया कि वो जो कहते हैं करते हैं। हेमंत राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व हैं, इसका अंदाजा विधानसभा में शुक्रवार को उनके भाषण से भी लगता है। वो ये भी जानते हैं कि सरना धर्म कोड की तरह 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा दरअसल इस समय उनके लिए दोनों हाथों में लड्डू जैसा है। इन दोनों विधेयकों को विधानसभा से पारित कराने के बाद इन्हें केंद्र के पास भेजा जाना है। यदि वहां से मंजूरी मिली तो झामुमो का चुनावी वादा पूरा हो जाएगा, ये हेमंत की सियासी जीत होगी। यदि केंद्र इसे नामंजूर करता है तो झामुमो के लिए ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। अपने इस कदम से हेमंत सोरेन फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो आगाज कर रहे हैं कि अब की बार हम 75 की संख्या में रहेंगे। 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के विभिन्न सियासी पहलुओं को रेखांकित कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। 11 नवंबर का दिन एक बार फिर झारखंड के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट बना। 11 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। 11 नवंबर 2021 को हेमंत सोरेन सरकार ने सरना धर्म कोड विधानसभा से पास कराया। अब 11 नवंबर 2022 को दो और ऐतिहासिक विधेयक झारखंड विधानसभा से पास हुए। राज्य की पांचवी विधानसभा के दूसरे विशेष सत्र में 1932 का खतियान लागू करने के लिए विधेयक पारित हुआ। इसके तहत झारखंड में अब तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरी उसी को मिलेगी जिसके पास 1932 का खतियान होगा। वहीं दूसरे विधेयक के पास होने से अब राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% हो जाएगा। इस तरह राज्य में कुल 77% आरक्षण लागू होगा। विधानसभा के इन दोनों विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। दोनों विधेयकों को अब सुरक्षा कवच पहनाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून का रूप लेंगे। हेमंत सोरेन ने ये इसलिए किया है क्योंकि 9वीं अनुसूची में एक बार शामिल होने वाले कानूनों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। झारखंड के सियासी आसमान पर छाए राजनीतिक बादलों की घुमक्कड़ी के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने इन दोनों विधेयकों को पास कराकर अपना पक्ष पूरी तरह मजबूत कर लिया है। विधानसभा से पारित इन दोनों विधेयकों के बाद राज्य की सियासत में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या होगा और हेमंत सोरेन को इसका सियासी लाभ क्या होगा। सियासी लाभ के सवाल का जवाब हेमंत सोरेन के एक बयान से समझा जा सकता है, जहां उन्होंने कहा कि अब की बार वो 52 से बढ़कर 75 की संख्या में रहेंगे। इस विधेयक के पास होने से हेमंत सोरेन राजनीतिक रूप से किस कदर मजबूत महसूस कर रहे हैं, इसका अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है कि अब केंद्र चाहे केंद्रीय एजेंसियों को जितना भी हमारे पीछे लगाए, चाहे षड्यंत्र करके जेल भेज दे, हम जेल से भी इन्हें हरा देंगे।
चुनाव में इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि झारखंड में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो नहीं चाहता है कि आदिवासियों को उनका हक मिले, उनकी पहचान बने। 1932 के खतियान की पूरी कहानी। झारखंड में 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार मानने की मांग यहाँ के लोग झारखंड गठन के बाद से ही करते रहे हैं। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी हमेशा से कहते रहे हैं कि झारखंड में बाहर से आकर बसे लोगों ने यहाँ के स्थानीय बाशिंदों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है, उनका शोषण किया है। लिहाजा यहाँ की स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर बनाई जानी चाहिए। उनके इस कथन में सच्चाई भी है, क्योंकि हर राज्य वहाँ के स्थानीय निवासियों के हित में स्थानीय और नियोजन नीति बनाता है और उसे लागू करता है। लेकिन एक बात साफ है कि हेमंत सोरेन 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हैं और इसके प्रति अपनी सरकार की गंभीरता प्रतिबद्धता को कई बार दर्शा चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान पर ही जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक या सामाजिक कारण है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि झारखंडी की पहचान बताने वाला शब्द जोहार अब खतियानी जोहार में बदल रहा है। अब सिर्फ जोहार काफी नहीं है। बार बार 1932 का ही जिक्र क्यों? झारखंड गठन के बाद से ही 1932 के खतियान का जिक्र होता रहा है। 1932 के खतियान को आधार बनाने का सीधा अर्थ है कि उस समय के लोगों का नाम ही खतियान में होगा, यानी 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी माने जाएंगे। हालांकि राजनीतिक रूप से 1932 के खतियान को भी विवादास्पद बनाने की कोशिश की जाती रही है। कहा जाता रहा है कि झारखंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, वे लोग ऐसे कानून से वंचित हो जाएंगे। हेमंत सोरेन ने बहुत ही बुद्धिमानी से उसका भी काट खोज निकाला है। उन्होंने साफ किया है जो यहाँ शुरू से रहते आ रहे हैं और उनके पास अगर खतियान नहीं है, वो भूमिहीन है, तो ग्राम सभा उनकी शिनाख्त करेगी, उसके आधार पर उन्हें खतियानी मान लिया जाएगा। बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खुंट कट्टीदार का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान में ये व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी खतियान यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या संविधान है। 1831 से 1833 के कोल विद्रोह के बाद विल्किंसन रूल आया। कोल्हान की भूमि हो आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गई। ये व्यवस्था निर्धारित की गई कि कोल्हान का प्रशासनिक कामकाज हो, मुंडा और मानकी के द्वारा कोल्हान के सुपरिटेंडेंट करेंगे। इस इलाके में साल 1913 से 1918 के बीच जमीन का सर्वे हुआ और इसी के बाद मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष स्थान मिला। आदिवासियों को जंगल पर हक इसी सर्वे के बाद दिया गया। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 में बिहार भूमि सुधार एक्ट आया। इसको लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। साल 1954 में एक बार इसमें संशोधन किया गया और मुंडारी खुंट कटीदार को इसमें छूट मिल गई। बाबूलाल मरांडी के शासनकाल में 2002 में राज्य की डोमिसाइल पॉलिसी घोषित की गई थी। उसके तहत भी 1932 के सर्वे सेटलमेंट को स्थानीयता का आधार माना गया था, लेकिन वो फैसला इतना विवादास्पद हो गया कि राज्य हिंसा की आग में चलने लगा और अंततः बाबूलाल मरांडी को कुर्सी गंवानी पड़ी थी। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इससे संबंधित जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सरकार के उस निर्णय पर तत्काल रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि वो अपनी स्थानीय नीति लेकर आए। उसके बाद राज्य में कई सरकारें बनी, लेकिन किसी सरकार ने स्थानीयता की नीति नहीं बनाई। सरकार इसे विवादास्पद मानकर इससे बचती रहीं। हेमंत सोरेन ने साहसिक कदम उठाते हुए इसी स्थानीय नीति के सवाल पर अर्जुन मुंडा की सरकार को अलविदा कर दिया। फिर उन्होंने कांग्रेस की मदद से राज्य में सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद साल 2013 में अपने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति पर सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी। हालांकि तब ये नीति नहीं बन सकी, विपक्ष इसके लिए उन्हें ताना भी मारता रहा।
दिशोम गुरु और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन भी 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीय नीति बनाए जाने की वकालत करते रहे हैं, लेकिन उनके खुद के मुख्यमंत्री रहते ये नीति नहीं बन सकी। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन की सरकार चली गई और भाजपा गठबंधन की सरकार ने कामकाज संभाला। उस सरकार ने साल 1985 को कट ऑफ डेट मानते हुए स्थानीय नीति की घोषणा की, जिसका व्यापक विरोध हुआ। तब भी लोगों ने साल 1932 को कट ऑफ मानकर स्थानीय नीति बनाने की अपनी सालों पुरानी मांग दोहराई। 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 1932 के खतियान को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। उसका असर ये हुआ कि चुनाव में भाजपा बुरी तरह पराजित हो गई। झामुमो की मदद से यहां कांग्रेस की भी बांछें खिल गई। 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में नई सरकार बनी। तब 1932 के खतियान के पक्ष में झामुमो नेताओं के स्टैंड से यह मामला झारखंड की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया। यही नहीं, हेमंत सोरेन ओबीसी आरक्षण के सवाल पर भी बार बार भाजपा को घेरते रहे कि उसने इसे घटाकर 14% कर दिया। यही कारण था कि ओबीसी आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी राजनीतिक तौर पर बहुत आगे बढ़ चुका था। इसलिए हेमंत सोरेन ने इन दोनों प्रस्तावों को पास कराने के बाद गेंद अब केंद्र के पाले में डाल दी है। केंद्र सरकार अगर राज्य के इस प्रस्ताव को मानेगी तो 1932 के सर्वे सेटलमेंट के आधार पर बनी स्थानीय नीति का मामला 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इसका सीधा लाभ हेमंत सोरेन और झामुमो को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर केंद्र सरकार इसे नहीं मानती है तो हेमंत सोरेन इसे चुनावी मुद्दा बनाकर फिर 2024 के चुनाव में आदिवासियों का वोट बटोर लेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन ने निश्चित रूप से अपना कद बड़ा कर लिया है और झारखंड में झामुमो को एक मजबूत पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया है। यही नहीं, वो 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग करने वाले झारखंडियों के हीरो बन गए हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।